तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइस, डायरेक्ट सेकंड ईयर इंजीनियरिंग की कैप राउंड 2 की जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। एंड इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कैप राउंड 2 का अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। साथ ही में जिन्होंने कैप राउंड 1 में बेटरमेंट किया होगा उन्हें क्या एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिलती है कैप राउंड 2 के ऑप्शन फॉर्म में, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी दूंगा ताकि आपको और बेटर कॉलेज जो है वो मिल जाए। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पर सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैप राउंड 2 का आप जो ऑप्शन फॉर्म है वो कब तक फिल कर सकते हो। तो 25 तारीख से लेके तो 27 अगस्त तक आप अपना कैप राउंड 2 का जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। तो टाइम पे अपना जो फॉर्म है वो फिल कर देना। फॉर्म फिल करने के लिए गाइज सबसे पहले आपको जो है वो लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में कैप राउंड 2 ऑप्शन फॉर्म का ऐसा एक जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको सिंपली जो है वो क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको स्टार्ट फिलिंग न्यू ऑप्शन ऐसा जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको सारी जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी देखने को मिल जाएगी जो कि आप अच्छे से पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद स्टार्ट फिलिंग न्यू ऑप्शन पे जो है वो क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको सारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो देखने को मिल जाएंगे। तो ध्यान से सारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो पढ़ना। एंड जैसे कैप राउंड 1 में हमने फॉर्म भरा था ऑलमोस्ट उसी टाइप से हमें यहाँ पे जो फॉर्म है वो भरना है। बट जिन्होंने बेटरमेंट किया होगा कैप राउंड 1 में तो उनके लिए गाइज एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे हमें जो है वो देखने को मिल जाएगी। तो जो भी कोर्स आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग गाइज यहाँ पे आपको जो कोर्स है वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर आप CSIT देख रहे हो तो मल्टीपल CSIT की ब्रांचेस भी आप यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। एंड जितना ज़्यादा ऑप्शन डालोगे उतना ही बेटर रहेगा, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जिनको कैप राउंड 1 में कॉलेज नहीं लगाए। मैक्सिमम ऑप्शन डालना बिकॉज अभी कॉलेजेस के जो कट ऑफ्स है वो भी बढ़ जाएंगे, साथ ही में कॉलेजेस में जो नंबर ऑफ सीट्स है वो भी काफ़ी कम हो जाती है। तो अगर आपने पहले ऑप्शन में काफ़ी कम ऑप्शन डाले थे जिसकी वजह से आपको कॉलेज नहीं लगा तो भी ज़्यादा कॉलेजेस के ऑप्शन डालना, साथ ही में ऐसे कॉलेजेस की भी ऑप्शन डालना जिनका कट ऑफ आपके कट ऑफ से जो है वो कम है, ताकि आपको इजीली कॉलेजेस जो है वो लग जाए एंड खाली हाथ आपको जो है वो ना जाना पड़े। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट इंस्टीट्यूट टाइप करना है, तो इसमें सारे बॉक्सेस पर टिक करना ताकि सभी कॉलेजेस के ऑप्शंस आए। एंड फिर गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शन आएंगे, तो जो आपको चाहिए उस पर टिक रखो, जो आपको नहीं चाहिए उसके ऊपर आप जो है वो अनटिक जो है वो कर सकते हो। तो जैसे आपको यहाँ पे करना है वैसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी सिलेक्ट रखता हूँ, कुछ को जो है वो अनसिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, COEP के लिए यूनिटरी पब्लिक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट रखना, तभी COEP का जो ऑप्शन है वो दिखेगा। बाकी फिर यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्स का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। सेव एंड प्रोसीड के बटन पर आपको जो है वो क्लिक करना है, ओके के बटन पर क्लिक कर देना। देन गाइज यहाँ पे आपको कॉलेजेस के ऑप्शन जो है वो आ जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट किए थे वैसे ही गाइज यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से मैं कुछ कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करता हूँ, तो जो भी आपको कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज सही लगते हैं वो आप कॉलेजेस यहाँ पे आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। एंड हमेशा याद रखना गाइज ऐसे कॉलेजेस भी ज़रूर डालना जिनका कट ऑफ आपके परसेंटेज से जो है वो कम है, ताकि अगर कुछ कॉलेजेस का कट ऑफ बढ़ भी जाता है तो आपको कॉलेज मिलने के जो चांसेस है वो हमेशा रहे। तो ऐसी लिस्ट हमेशा हमें है वो बनाना चाहिए। कॉलेजेस सेलेक्ट करने के बाद गाइस देखो, अब ये वाला जो कॉलेज है वो स्टूडेंट को कैप राउंड 1 में जो है वो अलॉट हुआ है, तो जो कॉलेज आपको कैप राउंड 1 में अलॉट हुआ होगा उसके आगे गाइज यहाँ पे आपको चूज़ करने का जो ऑप्शन है वो नहीं आएगा। अब ये कॉलेज जो है वो अपने आप आपके प्रेफरेंस लिस्ट में लास्ट नंबर पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, जो कॉलेज आपको कैप राउंड 1 में लगा होगा वो आप जो है वो चूज़ नहीं कर पाओगे, वो अपने आप प्रेफरेंस लिस्ट में लास्ट नंबर पर आएगा। तो इसका ध्यान रखना कि जो कॉलेज आपको कैप राउंड 1 में लगाए, जिनको कॉलेज लगा है कैप राउंड 1 में, वैसे ही कॉलेजेस डालना जो आपको कॉलेज लगाए उससे बेटर हो, ताकि आपका बेटरमेंट हो। एंड जिन्हें कोई भी कॉलेज नहीं लगाए वो मैक्सिमम ऑप्शन डालो ताकि आपको कैप राउंड 2 में जो कॉलेज है वो अलॉट हो जाए। ठीक है, तो जो कॉलेज लगा होगा वो आपको बड़ा है ब्लू कलर में कुछ इस तरीके से जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड वो अपने आप वहाँ पे सिलेक्ट होकर लास्ट नंबर पे जो है वो आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे हम आ जाएंगे। एंड यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो, यहाँ पे हम अपना जो प्रेफरेंस है वो देख सकते हैं। तो प्रेफरेंस में गाइज आप देख सकते हो जो लास्ट नंबर का कॉलेज है, जो हमें कॉलेज लगा रहता है कैप राउंड 1 में, उसका आप जो प्रेफरेंस है वो चेंज नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली जो है वो लास्ट नंबर पर आता है। इसका मीनिंग यही होता है कि कैप राउंड 2 में अगर आपको और कोई बेटर कॉलेज नहीं लगता है तो जो कैप राउंड 1 में कॉलेज लगा है वही आपको कैप राउंड 2 में मिलेगा। तो ये डरो मत कि यार कैप राउंड 2 का फॉर्म भरूंगा तो जो पहले लगा था वो लगेगा या नहीं, तो 100% लगेगा अगर आपको कोई बेटरमेंट नहीं होता है तो। बट सपोज अगर आपका बेटरमेंट हुआ, अगर आपको कैप राउंड 2 में कोई और कॉलेज मिल गया तो जो कैप राउंड 1 का कॉलेज है वो चला जाएगा एंड कैप राउंड 2 में जो कॉलेज आपको मिला है वही आपको जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा रहता है ये कैप राउंड 2 का सीन। तो ध्यान से
रखना सारी चीज़ें। अगर मुझे कैपराउंड टू में ठाकुर लगता है तो के वाक चला जाएगा मेरे हाथ से एंड फिर ठाकुर ही जो है वो लेना पड़ेगा। अगर लेना है सेकेंड राउंड में तो लो सकते हो, नहीं तो फिर सेकेंड राउंड में भी बेटरमेंट वगैरह जो है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रेफरेंस चेंज करना है तो एरोस का यूज़ करके ऊपर नीचे जो है वो यहाँ पर आप जो है वो कर सकते हो। एंड अगर आपको सारी जो चीज़ है वो सही लगती है तो सेव एंड प्रोसीड के बटन पे जो है वो कर देना क्लिक। एंड वहाँ पे फिर OTP डाल के अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर देना। ठीक है, सबमिट किया मतलब समझ लेना कि आपका जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस फॉर कैपराउंड टू है वो कन्फर्म हो गया है। एंड फिर जब रिजल्ट लगेगा तो आपको पता चलेगा कि कैपराउंड टू में आपको कौन सा जो कॉलेज है वो अलॉट हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपको अपना जो फॉर्म है वो फिल करना है। जिनको कोई भी कॉलेज नहीं लगा, बार बार बोल रहा हूँ कि ज़्यादा कॉलेजेस के ऑप्शन डालना तभी कॉलेज लगेगा, नहीं तो कॉलेज लगने के चांसेस जो है वो कम रहेंगे। एंड जिनको कॉलेज लगा है कैप वन में वो ऐसे ही कॉलेजेस डालना जो कॉल पहले लगा हुआ है कॉलेज है उससे बेटर हो, ताकि बेटरमेंट हो, कोई भी डिक्रीमेंट होने के जो चांसेस है वो ना रहे। ठीक है, तो होप सो गाइज आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते गाइज ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।